इतिहास अतीत के कई किस्सों और कहानियों का संग्रह होता है जो कभी आपको आश्चर्यचकित करेगा तो कभी रोमांचित। हालांकि इसकी कई बातें सच होती हैं तो कई बनावटी, लेकिन यही चीज़ें उन किस्सों को लोगों में मशहूर करती है। आज हम आपको ऐसे ही एक ऐतिहासिक धरोहर की सैर पर ले चलेंगे जो आपके जिज्ञासा को और भी उत्तेजित कर सकती है। बिहारी विहार के इस सेगमेंट में आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक रोहतास गढ़ किले के सफर पर, जिसका इतिहास इतना पुराना है कि आप वहां जाने से खुद को शायद ही रोक पाएं। विश्वभर में प्रसिद्ध रोहतास किला कैमूर पहाड़ी के ऊपर के हिस्से में स्थित है। यह भारत के इतिहास के प्राचीन किलों में से एक है जो बिहार ही नहीं बल्कि देश की शान बढ़ाता है। इसका इतिहास काफ़ी लंबा, रोचक और अस्पष्ट है। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिस्ताश्व ने कराया था। इतिहासकारों की माने तो किले की चार दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने सुरक्षा को देखते हुए कराया था ताकि किले पर कोई भी हमला ना कर सके। एक एक कर इसके इतिहासों को समझें तो मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, लेकिन इस किले का महत्व तब बढ़ा जब यह किला सन 1539 में शेरशाह सूरी ने एक हिंदू राजा से जीत लिया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस किले की सिर्फ पहरेदारी करने के लिए 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में उनके एक सैनिक के हैबत खान ने किले के परिसर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद सन 1588 में यह किला अकबर का जनरल मान सिंह के नियंत्रण में आया, जिसके बाद मान सिंह ने खुद के लिए इस किले में एक शानदार तख्त बादशाही का नाम का महल भी बनवाया और अपनी पत्नी के लिए आईना महल और किले के द्वार के तौर पर हथिया पोल का निर्माण करवाया। मानसिंह द्वारा महल के करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में राजपूताना शैली में बनाया हुआ भगवान गणेश का मंदिर भी है। महल के बाहर के परिसर में जामा मस्जिद, हबश खान का मकबरा और सूफी सुल्तान का मकबरा बनवाया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद किले का बहुत सारा हिस्सा तबाह कर दिया गया, लेकिन आज भी हिंदू और मुस्लिम की बहुत सारी इमारतें इस किले के परिसर में देखने को मिलती है जो हमें इस महान किले की समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है। कुछ स्थल इस किले के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं जो आपको आकर्षित करेगी। पहला, आईना महल। आईना महल जो मान सिंह ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। रोहतासन मंदिर, महल के करीब 1 मील की दूरी पर उत्तर पूर्वी दिशा में 2 मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। एक मंदिर जो है वो भगवान शिव का है और उसे रोहतासन मंदिर कहते हैं। सारी सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं और अब केवल 84 सीढ़ियां ही अच्छी हालत में है जिन्हें चढ़कर आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जामा मस्जिद और हबश खान का मकबरा, महल के अगल बगल के इलाके में जामा मस्जिद, हबश खान का मकबरा और सूफी सुल्तान का मकबरा है। यहाँ खड़े स्तंभ पर प्लास्टर की शैली में कई सारे गुंबद बनाए गए हैं जो हमें राजपूताना शैली की याद दिलाते हैं। यहाँ स्थित सभी गुंबद को क्षत्रिय भी कहा जाता है। हथिया पोल, इस किले के मुख्य द्वार को हथिया पोल या हथिया द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार को हथिया द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वार पर हाथी की बहुत सारी प्रतिमा है। उन प्रतिमा के कारण ही द्वार अधिक सुंदर दिखता है। यह द्वार किले का सबसे बड़ा द्वार है और इसे सन 1597 में बनाया गया था। गणेश मंदिर, मानसिंह महल के पश्चिम दिशा में आधे किलोमीटर की दूरी पर गणेश मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में जाने के लिए 2 तरफ से रास्ते बनाए गए हैं। हैंगिंग हाउस, पश्चिम की दिशा में कोई गुफा जैसी इमारत बनाई हुई दिखती है, लेकिन इस गुफा के बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ के लोग इस इमारत जैसी गुफा को हैंगिंग हाउस कहते हैं। यहाँ से 1500 फीट नीचे की दूरी पर एक बहुत बड़ा झरना भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गुफा में एक मुस्लिम फकीर को दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस फकीर के हाथ पैर बांधकर उसे नीचे की घाटी में 3 बार फेंका गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे तीनों ही बार कुछ नहीं हुआ और वो बच निकला। इसलिए लोगों ने उस फकीर को आखिर में उस गुफा में ही दफना दिया और तभी से ही सभी उस गुफा को हैंगिंग हाउस कह के बुलाते हैं। किसी भी किले में राजा के लिए ही बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाए जाते हैं, लेकिन इस रोहतासगढ़ किले में राजा के लिए अच्छी अच्छी इमारतें और महल तो है ही, लेकिन उनके सेनापति और जनरल के लिए तो राजा से भी बड़े आलीशान और शान
शानदार महल बनवाए गए दिखाई देते हैं। उनमें से ही एक राजा मानसिंह का तख्त बादशाही है जो देखने में काफ़ी भव्य था। किले के इतिहास के साथ साथ इससे जुड़ी एक रोचक कहानी के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। जो अंधविश्वास है या सच, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कभी इस किले की दीवारों से खून टपकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है, वहीं आसपास के रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाज़ भी आती थी। इस आवाज़ को सुनकर हर कोई डर जाता था। हालांकि किले से आने वाली आवाज़ और दीवारों से खून निकलने की बात अंधविश्वास है या सच, ये रहस्य तो इतिहास में ही छुपा हुआ है, जिसकी चर्चा आज किस्से कहानियों के रूप में की जाती है। अगर कभी रोहतास जाना हुआ तो आप रोहतास किला देखने अवश्य जाएं। धन्यवाद।